भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बहुत बुद्धिमान और सजग आदमी लग रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं क्योंकि वो भी तो भारतवासी ही है ना। अब आप देखिए, जिस प्रधान, बड़ी विनम्रता से मैं ये अपनी बात रखना चाहता हूं, वो बहुत 140 करोड़ जनता की ये बात है, सोच है, जो अभी उन्होंने आहत फील किया है। पवन खेड़ा गरीबों की, आम जनता के मुद्दे उठा रहे थे, तो विपक्ष का तो काम है उठाना। अगर अदानी पर सवाल उठा रहे तो मुद्दे को भटकाने के लिए आप इनका गिरफ्तार कर लो, तो ताकि गरीब लोगों की, आम लोगों की बात ही ना उठा पाए। और दूसरी बात, जब ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पर ऐसे बात होने पर अस्मिता की बात हो जाती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नेहरू के बारे में बोलते हैं तो वो भारत की अस्मिता नहीं हुई, वो देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे? आप ही जरा सोचिए इसके बारे में। आप उस अर्थशास्त्री को, जिसको विश्व के लोग भी मानते हैं मनमोहन सिंह को, उनको मौनी बाबा बोलते रहे, क्या वो आपको अस्मिता की बात नहीं समझ में आती थी? बड़ा विनम्र थे, बड़ा दिल रो रहा है मेरा, क्योंकि हम लोग भी युवा हैं। चले आप राजनीति करें, आप 2024 की लड़ाई पोलराइज करके, ये करके जो कर रहे हैं करें, लेकिन इस तरह से क्यों, युवाओं को क्यों निराश कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के भी युवा नाराज हो रहे हैं इससे, आप इस बात को समझ लें। ये टोटल डिसऑर्डर इनार्की है। जब आप बात करते हैं तो नेहरू जी की भी बात करें, इनकी भी बात करें, मोदी जी की भी बात करें, आप इस तरह से क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? किस तरह से आप पोलराइज करके, राजनीति करके, अब तो आप दूसरे तरह लेवल पर चले गए कि जो मुद्दे उठा रहे हैं। पवन खेड़ा एक सजग और एक क्रांतिकारी प्रवक्ता रहे, जो मुद्दे उठा रहे थे उनकी आवाज आप, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन मैं जवाब लेता हूं। मैं आपको बताना महेश वर्मा चाहता जी, हूं कि पवन खेड़ा, महेश वर्मा जी, 140 करोड़ जनता जो है, जो पवन खेड़ा के पीछे, महेश वर्मा जी, ज्योति कुमार सिंह कह रहे हैं मेरा दिल रो रहा है आपके तानाशाही रवैये को देखकर, सीधा सीधा आरोप। नहीं, ये कुछ भी कहें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए ये एक सबक बनना चाहिए, एक कहीं ना कहीं एक नजीर बननी चाहिए। थोड़ा सा रोक, आप जवाब दीजिए महेश जी, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट भी दे रहे हैं। प्रभाकर, ओवर टू यू, कोई अपडेट आपके पास?